नमस्कार सभी व्यूवर्स को। और आज बात करूंगा मित्रों के द्वारा किए गए कमेंट्स पर। अलग अलग विषयों को लेकर जानकारी मांगी है, कुछ ने सुझाव भी रखे हैं, चाहे जीन थेरेपी की बात हो, दृष्टि डिवाइस की हो, या फिर अन्य विषयों को लेकर। तो उन सभी पर बात करना चाहूंगा। मार्च के एंड से लेकर अब तक जो कमेंट्स आए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करूंगा। सबसे पहले गुरु प्रसाद सावंत जी का एक मैसेज आया था और उन्होंने जानना चाहा कि क्या आप एक्सेसिबिलिटी मिशन से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या विचार है। तो बताना चाहूँगा, अलग से कोई एक्सेसिबिलिटी मिशन से मैं नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इसको लेकर मेरा जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर है कि एक्सेसिबिलिटी हम सब की आवश्यकता है, हर क्षेत्र में हर लेवल पर होनी चाहिए। और डिसेबिलिटी के साथ ही एक्सेसिबिलिटी की आवश्यकता शुरू हो जाती है। सरकार भी काम कर रही है। और ये भी बताना चाहूँगा 2016-17 से अब तक न्यायालय ने भी सर्वाधिक टिप्पणी यदि की है, निर्देश जारी किए हैं, तो एक्सेसिबिलिटी को लेकर ही किए हैं। भारत सरकार ने सुगम्य भारत कैंपेन भी लॉन्च किया था 2015 में, लेकिन जितना होना चाहिए इस पर काम वो अब तक नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। अलग अलग कैटेगरी हैं, किस कैटेगरी में से बेंचमार्क कैटेगरीज भी हैं और सबकी अपनी प्रॉब्लम्स अपनी आवश्यकता हैं इसको लेकर। और तकनीकी क्षेत्र में बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। इसके अलावा जीन थेरेपी को लेकर भी समय समय पर कमेंट्स आते रहे हैं, वो भी मैंने देखे हैं। कुछ ने नंबर मांगे हैं डॉक्टर परवेज खान और जो कानपुर स्थित हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज और हेमंटोल जो हॉस्पिटल है उसके। तो गूगल पर लैंडलाइन नंबर मिल सकते हैं, आप सर्च करोगे तो वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर परवेश खान के नंबर तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जीन थेरेपी संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको फ़ोन पर मिलेगी। डॉक्टर भी यही सलाह देंगे कि आप यहाँ पर आकर मिलें, समस्या बताएं। भारत में जीन थेरेपी को लेकर काफ़ी अभी काम हो रहा है, तेज़ी भी आई है काम में, और डॉक्टर परवेश खान और उनकी टीम काम कर रही है। उनके नेतृत्व में अलग अलग शहरों में बैठक भी हो रही है, इंटरनेशनल जर्नल में भी रिपोर्ट छपने के लिए भेजी थी, उसके विषय में भी मैंने बताया। अगर कुछ वर्षों में भारत को एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगती है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। विदेशों की जहाँ तक बात है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी तेज़ी से इस पर काम हो रहा है, कई कंपनियां लगी हुई हैं, कई हॉस्पिटल्स और विश्वविद्यालयों के साथ समझौते हुए हैं। लंबे समय से काम चल रहा है, लेकिन पहले काम में तेज़ी नहीं थी, कुछ वर्षों में यानी 5-7 में इसमें तेज़ी आई है। और सबसे बड़ी समस्या पहले थी कि फंडिंग की, कोई भी कंपनी बीमा कंपनी इसमें रिस्क नहीं लेना चाहती थी, पैसा नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन अब कंपनी इसको लेकर पैसा भी लगा रही है, रुचि भी ले रही है और एक बजट भी निर्धारित किया है, टारगेट भी रखा है कि 25 तक, किसी ने 27, किसी ने 35 तक। तो काफ़ी गति इसमें है अभी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ सफलता मिली है, कई कंपनी और जो संस्थान हैं वो पहले फेज में प्रवेश कर चुकी हैं, कई का काम सेकंड फेज में चल रहा है। थर्ड फेज में काम यदि कंप्लीट हो जाएगा और सफलता मिलती है तो दुनिया के ब्रांड के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और रिपोर्ट के अनुसार बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी 10-12 इसमें लग सकते हैं, और भी जिस प्रकार से काम हो रहा है तो बड़ी सफलता मिल सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ब्लाइंडनेस का जो कारण है वह है आरपी रेटिनाइट पिगमेंटोसा, जिसके विषय में मैंने बताया भी था। और उसके बाद में फिर मोतियाबिंद और दूसरी बीमारियां हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह भी माना गया कि 50% नेत्र संबंधित जो बीमारी है उनको रोका जा सकता था सरकारों के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है इनको रोकने का, विकलांगता को कम करने का। तो उस पर सरकारें अलग अलग देशों में काम भी कर रही हैं।
आगे कोई भी जानकारी होगी तो मैं साझा करूंगा। फरवरी में भी मैंने एक रिपोर्ट चैनल पर डाली थी, और उसके बाद कुछ नया होता है तो ज़रूर मैं साझा करूंगा। इसके अलावा कमेंट्स जॉब को लेकर भी आए कि जॉब संबंधित जानकारी आप बताते रहें। कल भी एक कमेंट मैंने पढ़ा तो विकलांगता संबंधी जो किताबें हैं लिखी गई हैं या विकलांगों के द्वारा किताबें लिखी गई है तो उन पर भी उनके विषय में बताएं। तो वो समय समय पर इन सब के विषय में मैं बताता रहा हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। जैसे मुझे जानकारी और समय मिलता है उस हिसाब से मैं ज़रूर साझा करता हूँ। दो तीन कमेंट्स और आए हैं। बलवंत राय भट्ट साहब जो कि बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं इस देश में, वो ब्लाइंड थे, उनके विषय में मैंने एक वीडियो तैयार किया था। नाम को लेकर कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स किए हैं तो मैंने तीनों जो नाम और उपनाम इन सभी का प्रयोग किया है। टाइटल में मैंने बलवंत राय भट्ट पूरा नाम भी लिखा है और साथ ही भाव रंग के नाम से भी उन्हें पहचान मिली तो उसका भी मैंने जिक्र किया है टाइटल में, और बातचीत में भावर के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता था तो उसका भी इस्तेमाल किया है। लंबे समय तक वो बनारस यूनिवर्सिटी यानी पुराना जो नाम था काशी हिंदू विश्वविद्यालय उसमें भी उन्होंने सेवाएं दी। मुंबई में भी काफ़ी समय बीता, गुजरात में तो खैर जन्म हुआ ही था उनका, तो BHU से वो लंबे समय तक जुड़े रहे। और BHU में वैसे भी संगीतकारों की एक अपने पहचान रही है, चाहे साउथ की बात करें चाहे उत्तर भारत की, बड़े बड़े दिग्गज संगीतकार उसमें रहे हैं। उन्होंने संगीत की जो है शिक्षा प्रदान की है, सेवाएं दी है। इसके अलावा दृष्टि डिवाइस को लेकर भी मार्च के एंड में कुछ कमेंट्स आए हैं तो बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाया और जितनी मुझे जानकारी मिली और मैं संतुष्ट हुआ उसके विषय में बताया। अभी मैं बिजी था तो 20-25 दिन से मेरी कोई बात नहीं हुई दृष्टि डिवाइस को लेकर, और मैंने यूज भी नहीं किया। व्यस्तता के कारण मैं अपने निजी कारणों में उलझा रहा, इस वजह से वीडियो ज़रूर मैं लगातार साझा करता रहा लेकिन डिवाइस को लेकर बात नहीं हुई। और आगे कोई भी जानकारी मिलती है तो ज़रूर साझा करूँगा, लेकिन जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँगा, मैंने पहले भी बताया था, तब तक मैं इसको लेकर वीडियो नहीं बनाऊँगा, गलत जानकारी मैं साझा नहीं करूँगा। एक दो लोगों के फ़ायदे के लिए मैं अपने साथियों का नुकसान भी नहीं करना चाहता। जो भी जानकारी होगी, पहले वीडियो बनाया तो उसमें भी मैंने जो सही था जो मुझे लगा वो बताया, जो कमियां थी वो भी बताई, तो आगे जो भी जानकारी मिलती है वो भी बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई काम अभी होना बाकी था, चाहे OCR की बात करें या फिर स्पीकर की वॉल्यूम वगैरह की, ऐसे कुछ कमियां थी तो उसके विषय में मैंने बोला और फिर मेरी बात नहीं हुई है। तो शायद हो सकता है उस पर काम कर रहे हों और उसमें समय लग रहा हो, तो आगे जो भी जानकारी होगी तो साझा करूँगा। इसके अलावा एक बात और मैं यहाँ महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा कि एक स्मार्ट विजन चश्मे पर भी काम कर रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो 2-3 हज़ार रुपये में हमारे साथियों को चश्मा उपलब्ध हो जाएगा। कुछ समस्याएं उसको लेकर आ रही हैं, तकनीकी समस्याएं। मैंने ईमेल भी की है क्योंकि वो इंडिया की एप्लीकेशन नहीं है, दूसरे देशों में यूज की जाती है, अच्छी है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर, और मुझे उसका जवाब भी मिल गया है। एक ईमेल जो मैंने किया था, कुछ उसकी जानकारी मांगी थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, और इसके अतिरिक्त उसको परचेज करने और मुफ्त में कैसे लिया जा सकता है उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर सफलता मिलती है तो मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार में, जहाँ 20 हज़ार में चश्मे उपलब्ध करा रहे हैं लोग, कहीं 50 हज़ार में, कहीं 15 हज़ार में, तो इस तरह के, और फिर उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही है, बहुत सारी तकनीकी समस्याएं साथियों को आ रही है। मुंबई से हमारे एक मित्र हैं दीपक सिंह, उन्होंने मुझे कॉल किया है एक, हालांकि उनको फ्री में मिला था स्मार्ट विजन चश्मा गुजरात में,
लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो बता रहे थे कि उन्होंने अभी रख रखा है लेकिन यूज नहीं कर सकते उसे, नेटवर्क की प्रॉब्लम से वो रिस्पांस नहीं मिलता है उसमें। तो मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसके लिए समाधान हो और 2-2.5 हज़ार रुपये में स्मार्ट विजन चश्मा उपलब्ध हो सके। मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ, अगर सफलता मिल गई तो ज़रूर 2-2.5 हज़ार रुपये में चश्मा उपलब्ध हो जाएगा। अगर ये तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होनी चाहिए और उस पर काम भी कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स साथियों के आए हैं, कुछ हमारे रेगुलर जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट्स करते हैं, प्रशंसा करते हैं जो वीडियो मैं साझा करता हूँ, तैयार करता हूँ जितना समय मिलता है। इनमें राजवेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी कमेंट्स पढ़ता हूँ। रिंकू लाल जी सोनी मेरे सीनियर हैं। हरेंद्र उपाध्याय जी ग्वालियर से हमारे सीनियर हैं, उन्होंने कॉल किया था। कमेंट्स तो उनका नहीं आया क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं जानते, तो उन्होंने ये कॉल करके जो वीडियो मैं वीकली न्यूज़ संबंधित साझा करता हूँ, तैयार करता हूँ, तो उसकी प्रशंसा की है और कहा है कि आप रेगुलर इसी तरह जानकारी साझा करते रहें। निकिता का भी कमेंट्स मैंने देखा, उन्होंने उसको सराहा, और ख़ासकर जो ब्लाइंड गर्ल ने एक फ्लाइट उड़ाई थी 9 राज्यों से, उसको लेकर के आया था। तो आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जो वीडियो मैं भेजता हूँ उसको सराहने के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए। और जितना समय मिलता रहेगा मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और मेरे दो ही उद्देश्य हैं कि जो भी कुछ इंडिया में या इंडिया से बाहर घटित हो रहा है, जो भी कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तकनीकी जो परिवर्तन हो रहे हैं, ब्लाइंड संबंधित या डिसेबिलिटी संबंधित, वो जानकारी मैं पहुंचाता रहूं और उसका लाभ मिलता रहे साथियों को। और इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कितने लोग उस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, 10, 20, 50, 100, जितनों को भी फायदा होता है तो वो बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य मेरा यह है कि जिन लोगों ने डिसेबिलिटी के क्षेत्र में संघर्ष किया, चाहे ब्लाइंड हो या दूसरे दिव्यांग, उनके विषय में जानकारी पहुंचाना, जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा महत्व सरकार या समाज में नहीं दिया जाता है, उन सभी के विषय में जानकारी साझा करना, ताकि हम जान सके कि उस दौर में इतना अभाव था, शिक्षा का भी अभाव था, बाकी सुविधाएं भी नहीं थी, और उन्होंने संघर्ष किया और हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया और हमारे लिए बहुत कुछ आसान किया, चाहे आरक्षण की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की एजुकेशन की। उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, खासकर क्षमता को लेकर, जिस पर शक किया जाता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने उस दौर में भी सब कुछ करके बताया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और उसको हमें याद रखना चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य है कि उनके विषय में बताऊं। अभी तो मैंने 50% भी लोगों के विषय में नहीं बताया, बहुत बड़ी लिस्ट है जो मेरे पास उपलब्ध है और जैसे समय मिलेगा मैं लगातार उनके विषय में बताता रहूँगा और मैं साथ ही लिख भी रहा हूँ जितनी मुझे जानकारी मिल रही है, ताकि एक एक किताब की शक्ल सबको दी जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का कमेंट्स करने के लिए, सुझाव देने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, सुनने के लिए। थैंक यू।